पागल भी ठीक हो गया, वो भी कीर्तन आनंद में इस तरह से निमग्न हो गए, वो तो पागलपन नष्ट हो गया। जो अवदान गौरी वैष्णव समाज, चाहे कोई भी मतावलंबी हो, कोई भी परिवार का हो, सब ये स्वीकार करेंगे। जो इतिहास अभी भी याद करते हैं, याद करेंगे उनके जो अवदान है। महाप्रभु एक शब्द कह गए हैं, पृथ्वी से आसे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र होइबे प्रचारित होइबे मोर नाम। महाप्रभु ये शब्द कह गए हैं, जो पृथ्वी में जितना नगर ग्राम है, पृथ्वी में सर्वत्र मेरे नाम ये प्रचार होगा अवश्य। तो भक्ति वेदांत स्वामी ये जो अवदान है, जिस तरह से आज इस्कॉन सोसाइटी प्रतिष्ठा करके ये महाप्रभु की ये वाणी को साक्षात रूप में, प्रत्यक्ष रूप में जो स्थापना करके गए हैं, अभी चल रहा है उनके कार्यक्रम जो चल रहा है, ये अवर्णनीय, ये भाषा के अगम्य, भाषा के द्वारा इसका वर्णन होना संभव नहीं है। युग युग में ऐसे धर्म प्रचारक आए हैं, धर्म प्रचार किए हैं, करेंगे। भगवत भक्त आते हैं, भगवान भी आते हैं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानित भवति भारत, अद्वितीयानाम धर्म से तदात्मनाम सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान आते हैं युग युग में, अपने भक्त को भी इस तरह से प्रेरण कर देते हैं। ऐसे साधारण मनुष्य के द्वारा ऐसे प्रचार कदापि संभव नहीं है। भगवत कृपा पुष्ट, भगवान जिसके प्रति कृपा करके ये शक्ति संचार करके जगत ये धर्म प्रचार के लिए भेजते हैं, वही श्री पिए मंगलमूलक ये प्रचार धर्म जो है ये प्रचार करने में समर्थ हो सकते हैं। नहीं तो साधारण मनुष्य के द्वारा कदापि ऐसा इतना प्रचार ये संभव नहीं है। विश्व में यूरोप, यूरोपियन कंट्री से लेकर के दक्षिण अमेरिका के जितना देश है, माने पृथ्वी में ऐसा कोई देश नहीं है जहां इस्कॉन सोसाइटी के महाप्रभु के जो प्रचार धर्म यहाँ प्रचार नहीं किए हैं, जहां कोई मंदिर स्थापन नहीं किए, ऐसा कोई देश है ही नहीं, ऐसा कोई देश है ही नहीं हर देश में। पहले रशिया में गए थे, जब रशिया में ये धर्म प्रचार नहीं था, तो रशिया में तो कम्युनिस्ट कंट्री उस समय, बहुत नाराज हो गए, बोले ये सब पागलपन है, पकड़ पकड़ के सबको पागलखाना बंद कर दिए हैं, पागलखाना लेकर के सब पकड़ पकड़ के, और पागलखाना में वो लोग कीर्तन करना शुरू किए हैं। कीर्तन बहुत पागल भी उनके साथ रह करके पागल भी ठीक हो गया, वो भी कीर्तन आनंद में इस तरह से निमग्न हो गए, वो पागलपन नष्ट हो गया, वो सही हो गया। ऐसे प्रचार धर्म छोड़े नहीं है। फिर रशियन सरकार फिर जाकर के आदेश किए, ठीक है आप यहाँ मंदिर यहाँ स्थापना कर सकते हैं या प्रचार कर सकते हैं। अभी तो रशिया से बहुत सारे भक्त आते हैं, हमारे पास ही आते हैं, हजारों भक्त हमारे पास आते हैं रशिया से, इतना प्रचार है रशिया में। खैर विश्व में, सब देश में, विशेष करके यूरोपियन कंट्री में ऐसा कोई कंट्री है नहीं जहां इस्कॉन सोसाइटी का प्रचार है नहीं। जो प्रेम धर्म, जो भक्ति वेदांत स्वामी के द्वारा प्रतिष्ठित किए गए हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां ये महाप्रभु के प्रेम धर्म प्रचार नहीं किए, जहां कोई मंदिर है नहीं। यूरोपियन सब कंट्री में, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, रोमानिया, बुल्गेरिया, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ग्रीनलैंड, हर जगह, हर देश में यूरोपियन कंट्री, फिर अमेरिका में भी, सब जहाँ जहाँ जितना देश है, सब देश में प्रभु के प्रचार धर्म अभी भी चल रहा है। ये बहुत ही अद्भुत, अवर्णनीय,
ऐसे कोई साधारण मनुष्य के द्वारा ऐसे प्रेम धर्म प्रचार कदापि संभव नहीं। ये विदेशी लोगों को इस तरह से हमारे जो प्रेम धर्म इसमें उनको प्रभावित करना, ये कोई साधारण बात नहीं है। जहाँ ऐसे भोग वृत्ति लेकर के जीवन है, वहाँ ऐसे आध्यात्मिक चेतना की जागृति ऐसे दिखने में बहुत कम आता है। उनके अंदर जिस तरह से इसको सोसाइटी के अवदान और ये प्रेम धर्म के जो प्रतिष्ठाता है, ये हमारे भक्ति वेदांत स्वामीपाद, ये क्या कहे, आज भी चल रहा है। चीन तक चले गए, चीन अफ्रीकन कंट्री में, चीन में प्रचार करने, इतना सहज बात है, चीन चले गए प्रचार करने के लिए, अफ्रीका महादेश में सब, और अफ्रीका महादेश में भी बहुत सारे और इस्कन मंदिर स्थापना किए हैं, बहुत सारे देश में ऐसे प्रचार चल रहा है। तो ये जो अवदान, उनके जो जो चेष्टा, ये साधारण नहीं, ये मनुष्य के द्वारा कदापि ये संभव नहीं है। ये तो महाप्रभु के विशेष कृपा पुष्ट ऐसे कोई महापुरुष आए हैं जो कि एकमात्र भगवत कृपा से ही इतनी शक्ति लेकर के ऐसे प्रचार धर्म प्रचार करना, उसमें सफल कम होना, इतना सहज बात नहीं है। ये कोई महाप्रभु के कोई आदिष्ट पुरुष है, ऐसे हमारी विश्वास है।